हेलो फ्रेंड्स, मैं बिंदु। हमारे चैनल बिंदु ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आप सभी के साथ ना बहुत अच्छी सी रेसिपी शेयर करेंगे ये वड़ा बनाने के लिए। ये बचे हुए चावल से वड़ा बनाएंगे फ्रेंड्स, और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है फ्रेंड्स। अगर आप बनाते हैं ना तो बच्चे और बड़े सब इसको बहुत पसंद करते हैं। फिलहाल तो बच्चे बहुत पसंद करते हैं, मेरे बच्चे तो हफ्ते में 2 से 3 बार यही बनवा के खाते हैं फ्रेंड्स। सब्जियों से भरा रहता है फ्रेंड्स, इसमें जो चाहे आप सब्जियाँ डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में फ्रेंड्स। तो फिर चलिए इसको बनाते हैं हम। उसके लिए फ्रेंड्स पहले हम चटनी बनाएंगे। यहाँ पे 4-5 करा पत्ता लिए हैं, लहसुन है और 2 हरी मिर्च है, नारियल है काट के लिए हैं, 2-3 छोटे छोटे अदरक के टुकड़े और टमाटर आधा ले लिए हैं। यहाँ पे पानी डाल के इसकी चटनी बना लेंगे। नमक डाल के, नमक और पानी डाल के इसकी चटनी बना लेंगे। हल्का सा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे देखिए चटनी हमारी बन गई है। अब इसमें लगाएंगे हम तड़का। इसके लिए तड़का पानी लिए हैं, इसमें सरसों का तेल हम डाल दिए हैं फ्रेंड्स, और राई दाना डालेंगे, कड़ा पत्ता, ये बोर मिर्ची डालेंगे, तड़का लग गया है, अब इसको रखेंगे। अभी तेल हो गया गरम फ्रेंड्स, इसमें डालेंगे जीरा, सफ़ेद तिल, एक चम्मच रेड चिली फ्लेक्स फ्रेंड्स, अब इसमें डालेंगे हम पानी। हम रवा से बनाएंगे फ्रेंड्स यहाँ पे, और जितना हमें रवा लेना है उसका डबल पानी लेना है। यहाँ पे हमें 2 कटोरी रवा चाहिए, तो 4 कटोरी हम यहाँ पे पानी डाल देंगे। हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक। बेसिक मसाले से बनाएंगे फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा मसाले हमें नहीं लगने हैं। आपको पसंद है तो आप यहाँ पर पाव भाजी मसाला भी डाल सकते हैं, गर्म मसाला भी डाल सकते हैं, रेड चिल्ली पाउडर भी डाल सकते हैं आप सभी। यहाँ पे इसमें डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला 1/2 चम्मच। धनिया की पत्ती डाल देंगे फ्रेंड्स इसमें। जिस कटोरी से पानी लिए थे उसी कटोरी से 2 कटोरी यहाँ पे हम रवा डाल देंगे इसमें। इसको पका लेंगे इतना कि ये डो की तरह बनने लगे। अब गैस हम बंद करेंगे, इसको एक थाली में निकाल कर रखेंगे, ठंडा होने रखेंगे इसको। उसके लिए फ्रेंड्स हम यहाँ पे फिलिंग तैयार करेंगे। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, एक बड़ा साइज कांदा लिए हैं चॉप करके, और एक गाजर और एक शिमला मिर्च लिए हैं चॉप करके, पत्ता गोभी चॉप किए हैं, और आप चाहे तो मतलब बारीक काट भी सकते हैं, लेकिन स्कूल का टाइम रहता है ना तो हम चॉप कर लिए थे, टाइम नहीं रहता। यहाँ पे 1/2 कटोरी स्वीट कॉर्न लिए, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं इसको। यहाँ पे लिए हैं फ्रेंड्स मेरा चावल जो रात को बचा था, ये चावल है। अभी हम इसमें सब डाल देंगे। अभी इसमें डालेंगे फ्रेंड्स 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, बहुत थोड़ा सा डालेंगे जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर है, काली मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर आता है तो रवे में भी डाल सकते हैं, और इसमें मसाले अपने पसंद के हिसाब से डाल दें फ्रेंड्स। ढेर सारा धनिया की पत्ती, हल्का सा नमक, नमक डालेंगे हम यहाँ पे, हल्दी धनिया का पाउडर भी आप इसमें डाल सकते हैं। इसको खूब अच्छे से ना मैश करेंगे, एक में मिक्स कर देंगे हम। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसको अच्छे से ना हम मिक्स कर लिए हैं सब एक में, ये देखिए बॉल बन रहा है। और इसमें ना पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि पत्ता गोभी भी था और प्याज था ना, उसमें पानी छोड़ता है, शिमला मिर्च था। देखिए फ्रेंड्स ऐसे बॉल की तरह लेंगे,
ये फ्रेंड्स इसको ले लिए हैं और यहाँ पे लिए हैं मोज़रेला का चीज़ है, इस पे थोड़ा से रखेंगे फ्रेंड्स और इसको मोड़ देंगे। ऐसे ही करके रख लेंगे सर। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 10-12 हम बना के रख लिए, बाकी बनाएंगे अभी, ये टिफिन के लिए बनाना है। और यहाँ पे ये मेरा ठंडा भी हो गया है इस तरह से। आपने तो चावल का, रवा का, आलू का बहुत देखा होगा। अब एक बॉल इसमें रखें, इस तरह से इसको पैक कर दें। आप इसको ऐसे चाहे ना फ्रेंड्स स्टीम कर सकते हैं, स्टीम करके फ्राई भी कर सकते हैं, प्याज वाज का तड़का लगा के, कड़ा पत्ता कराई का। इसी तरह से फ्रेंड्स 10-12 जो हम बनाए हैं ना ऐसे रख लेंगे बना के, ये भी है ना, अच्छे से मैस कर लेते हैं तब बहुत अच्छे से बनेगा ये। यहाँ पे फ्रेंड्स एक बार में 8 हम रख दिए हैं होने के लिए, फ्राई कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि स्कूल का टाइम है ना तो। और ये नट्स बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, यकीन मानिए मेरे बच्चे तो हफ्ते में 2 बार बनवाते ही हैं, अगर 3 बार नहीं तो हफ्ते में 2 बार ज़रूर बनवाएंगे। मैं बना के देती हूँ तो हमें लगा आप सबके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करनी चाहिए। अभी यहाँ पे मेरा इतना ये बच्चा है, चाय अभी हम तलेंगे बाद में, पहले तो बच्चों का टिफिन दे दें। मैं बोली बेटा बचे हुए चावल का स्कूल में ले जाना, अच्छा क्या कोई बात नहीं मम्मा मुझे चलेगा, मुझे दे दो आप बना के, मैं लेके जाऊंगा। इसे तो घर के लिए इसको हम बनाते हैं, लेकिन बच्चे बोले हम स्कूल में भी लेके जाएंगे। ये थोड़ा बड़ा है, इस तरह से ना इसको एकदम ब्राउन करके सेंक लेंगे उलट पलट के। बाकी जो चार था फ्रेंड्स वो भी डाल दिए हैं, ये मुठिया के शेप में डाल दिए हैं बना के करके, आप जो चाहे शेप में बना सकते हैं। चटनी भी लगा दिए हैं बच्चों का टिफिन में, ये भी मेरा बनके तैयार है फ्रेंड्स, ये देखिए। किस किस को इसकी रेसिपी पसंद आई फ्रेंड्स प्लीज कमेंट करना जरूर, देखिए। बहुत ही टेस्टी होता है फ्रेंड्स ये खाने में। ये भी फ्रेंड्स मेरा हो ही जा रहा है, 2 मिनट और लगेगा इसमें। रुद्र उठे हैं मम्मा पहले मेरे लिए टिफिन लगा दो, स्कूल नहीं जाते इसलिए ना कि पहले उनको खाना है, चीज पड़ा हुआ है ना, चीज करना बच्चों को तो बहुत ही पसंद होता है खाने में, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में बच्चों को। इन दोनों से पहले उठ जाते हैं, अगर उन दोनों को बुलाते उठने के लिए ना सुबह, ये दोनों से पहले उठ जाएंगे। क्या कर रहा है, बेइज्जती? कौन सी बेइज्जती? हाँ बेइज्जती तुम लोगों, मतलब इन लोगों की बेइज्जती हो रही। पहले कहाँ उठी थी, बाबू पहले आ गया है। रवा तो फ्रेंड्स पका ही रहता है ना, इसीलिए इसको थोड़ा तेज आंच पे ना पका लेंगे ना, तो बस इसको ब्राउन होना रहता है, ब्राउन हो जाए बस, क्योंकि रवा तो एकदम अच्छे से पका रहता है।
ये जो बाकी का है ना इसको बाद में बनाएंगे, अभी बच्चों को दे देंगे ये खाने के लिए। ये तीनों खाएंगे, टिफिन हम लगा देंगे। मेरा छोटा बेटा ना बहुत ही चटोरा है, बड़ा बेटा तो चटोरा था ही, लेकिन छोटा बेटा ना बहुत ज़्यादा चटोरा हो गया है मेरा, मेरी बेटी इतनी नहीं है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये चारों भी हो गया है, बच्चों को देंगे खाने के लिए। आप सबको ना तोड़ के दिखाते हैं, वो नहीं तोड़ी थी क्योंकि टिफिन में देना था ना। ये देखिए, अभी इसको ठंडा करने रखेंगे, बाबू खाएगा, ये तीनों बच्चे मेरे खाएंगे। और हम ना यहीं एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो फ्रेंड्स आप सभी को पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप सभी को ना बहुत काम आएगा, और ऐसे आप बच्चों को बना के टिफिन में दे सकते हैं, नाश्ते में भी दे सकते हैं, बच्चे बहुत खुशी से बहुत बहुत प्यार से खाते हैं इसको, बच्चे बहुत ही अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, इसमें सारी सब्जियाँ भी हैं, अगर आपके बच्चे सब्जियाँ भी नहीं खा रहे ना ग्रीन, इसमें काट काट के इसे बना के देते हैं ना, तो बच्चे हमारी सब्जियाँ भी खा लेते हैं और ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है फ्रेंड्स ये। तो चलिए हम यही पिंड करते हैं, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब।